शांति। सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहां तक यथार्थ हुई और कहां करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही, ये चेक करो। अगर आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली करेक्शन करने लग जाओगे, अगर कुछ ऐसा कार्य करना शुरू करोगे तो। क्यों करने लग जाओगे? क्योंकि दिव्य बुद्धि का आपके पास वरदान है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी आत्मा के वश हो गए, या समस्या ऐसी आ गई तो उसके वश हो गए, समय ऐसा था या कोई परिस्थिति ऐसी थी या कोई आत्मा ही ऐसी मिल गई जो विचारधाराओं को बदल रही थी, तो कई बार तो ऐसा इसका प्रभाव पड़ जाता है। कभी मन मत के वश हो जाते हैं कि मन अपने मन में ऐसा कोई संकल्प आ गया तो उसके तो उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन याद रखना समय परिस्थिति संग का प्रभाव मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसका वेग तेज है तो आपको लगेगा हम राइट हैं, लेकिन जब वो हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, कि जो जोश में तो आपने कई ऐसी गलत एक्टिविटीज कर दी, लेकिन जब आप होश में आते हो तो आपको लगता है कि अरे ये सही नहीं किया गया हमसे, जो सही नहीं था। तो फिर आप क्या कहते हो? क्योंकि अब क्या हुआ है, अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, संघ का प्रभाव भी बदल गया है और मनमत का प्रभाव भी थोड़ा हल्का हो गया है, हर चीज अब हल्की हो गई है। इसलिए कई बार कुछ चीजों को कहा जाता है कि बाबा भी कहते हैं उसको समय पर छोड़ दो, क्योंकि जब उसका प्रभाव थोड़ा हल्का होगा तो फिर उनकी दिव्य बुद्धि ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगी, और जब वो काम करेगी तो फिर आप लोग कहेंगे ना कि अरे पहले तो ये बड़े जोश में थे, अब ये किस में आ गए हैं, होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, कि हमको यहाँ पे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए और यहाँ पे अपने आप में ये चीज ऐड करनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब की किताब में दाग नहीं लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुई है, इसलिए हर कर्म करने से पहले हमेशा कहा जाता है चेक कर लो क्या ये कर्म सही है, ब्रह्मा बाप समान है तो करो तो इजी रहो, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं करो। क्योंकि जब आप होश में आओगे तो आपको याद होगा कि अरे ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि उसका प्रभाव तो कभी ना कभी तो कम होना ही है ना, किस चीज का, समय का, परिस्थिति का, संघ का, मनमत का प्रभाव हल्का तो होना ही है। तो फिर दिव्य बुद्धि काम करेगी तो उस समय तो फिर आप क्या सोचेंगे, लेकिन ये सब चीजें रजिस्टर में कर्मों के हिसाब के किताब में दाग तो नहीं कहेंगे लेकिन बिंदी तो पड़ जाती है ना, मैंने एक बिंदी तो फुल स्टॉप तो लग जाता है ना, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुई है। क्लियर हो रहा है? होली हंस की विशेषता पे बाबा इतनी डिटेल में इतने अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि होता क्या है। अच्छा, ओम शांति।